हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बासी रोटी की मिठाई। ये देखिए हमारी रोटियां, ये रात की बासी रोटियां बची हैं 3 से 4। आप इनको फेंकना नहीं है, इनकी भी मिठाई बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आज हम इसी पे बनाएंगे कुछ नया। ये देखिए, और इसको बनाना है हमने देसी घी में ही बनाना है। अगर आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा स्वाद बनेगा। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। और मैं अब ये रोटियों को अच्छे से इसमें तल लूँगी। ये देखिए, आपके पास 2 रोटी हो चाहे 3 रोटी हो, आप उससे बना सकते हैं। जी मेरे पास ये 4 रोटियां हैं। तो ये देखिए, ये हमारी रोटी फूल चुकी है। घी को थोड़ा तेज आंच में इसको पकाना है और ये रोटियां करारी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ये हमारी पूरी की तरह तल रही है। ये देखिए, ये रोटियां हमारी ब्राउन हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको अच्छे से इस कर लेंगे। ये गर्म है अभी, लेकिन इसका हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, रोटियों को हमने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लिया है। अब हम इसको जार में इसको पाउडर की तरह बना देंगे। ये देखिए, हमने इसमें मिक्सी जार में डाल के इसका बासी रोटियों का हमने चूरा कर लिया है बिल्कुल पाउडर की तरह। आप कोशिश करना कि ताज़ी रोटी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बासी रोटी से ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए, ये देखिए, हमने कढ़ाई रखी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपने। ये घी वाली कढ़ाई है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए कढ़ाई। हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट करते रहेंगे। धीरे धीरे आप इसको अच्छे से मिलाते रहना। ये याद रखना, ये हमारी मीठ वाली मिठाई बन रही है, मीठे तो इसको अच्छे से बनाना है। इसको 5 और 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये देखिए, ये हमारी चीनी हो चुकी है, अच्छे से इसकी चाशनी बन गई। अब हम इसमें 1 लीटर दूध या 1/2 लीटर दूध जितना आपके पास हो तो इसमें मिला देंगे। देखिए, आपने इसको देख के डरना नहीं है, ये सारा मिक्स हो जाएगा धीरे धीरे इसको मिला के। कम से कम मैं इसमें 1/2 लीटर से ज़्यादा दूध डाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल जो चीनी की चाशनी थी जिससे ये कड़क हो रखा था, बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा बहुत है, इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के आसपास नींबू का रस डालेंगे जिससे ये हल्का हल्का फट जाता है।
ये देखिए ये दाने दाने हो चुके हैं अब इसमें। अब हम जो हमने रोटी का चूरमा बना के रखा होता, अब इसमें ये रोटी डाल देंगे। अच्छे से हम धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए ये हमारा मिल्क केक तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके रख देंगे। हमने की थाली ले ली, इसमें मैं देसी घी लगा दिया हुआ। ये देखिए अच्छे से इसमें चारों तरफ, अगर आपके पास कोई और बर्तन हो, प्लेट हो, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, कि मैंने इसमें लगा के रख दिया हुआ। अब हम ये जो बैटर तैयार किया गया है इसको डालेंगे। आप घी डालना चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं ऊपर से, और देसी घी ही डालना है। देखिए अब मैं इसको हाथ से अच्छे से बराबर कर देती हूँ। ये देखिए गरम है। धीरे धीरे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद निकाल के आप इसके अच्छे से पीस कर सकते हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुका है। ये देखिए हमने अच्छे से बना दी। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप इसको फ्रिज में कम से कम 2 घंटे तक तो रखेंगे, तभी ये थोड़े अच्छे से सेट हो पाएंगे। ये देखिए ये हमारे पीसेस तैयार हो चुके हैं। देखिए हम इसको अच्छे से कट करके बहुत ही अच्छे से बनी हुई है। अगर आपने ज़्यादा हार्ड करनी हो तो फ्रिज में थोड़ी देर और रखना पड़ेगा। मैंने इसको 10 से 15 मिनट रखा है फ्रिज में, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। ये हमारी मिठाई देखिए गाइड, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। ये देखिए